ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत के 16 देशों में भारत में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी है। देश में 10 में से 7 लोग रिश्वत देते हैं। 69% लोगों ने माना कि वो सरकारी सर्विस का लाभ लेने के लिए रिश्वत देते हैं। इस मामले में वियतनाम दूसरे नंबर पर है। वियतनाम में 65% लोग रिश्वत देकर सरकारी काम करवाते हैं, जबकि चीन में 26% और पाकिस्तान में 40% लोग सरकारी काम करवाने के लिए घूस देते हैं। जापान में सबसे कम रिश्वतखोरी है। जापान में सिर्फ 0.2% लोग रिश्वत देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पुलिस सबसे करप्ट है। पुलिस के बाद सरकारी अधिकारी 84%, कारोबारी 79%, स्थानीय पार्षद 78%, सांसद 76% भ्रष्ट है। इस मामले में कर अधिकारी छठे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा 18% रिलीजियस लीडर्स भी करप्ट हैं।